दूरदर्शन के सजीव फोन इन कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, अपने इस कार्यक्रम में हम आपको विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर विशेषज्ञ की राय से अवगत कराते हैं। जैसे कि आपने देखा, आज का हमारा टॉपिक है कि कैंसर के आधुनिकतम उपचार क्या क्या हैं, रिसेंट एडवांसेस कैंसर में क्या क्या हैं। इसके लिए हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित हैं डॉक्टर अनिकेत गोयनका, जिन्होंने MBBS और MD भोपाल से किया, कोविड में काफ़ी लंबा काम किया और उसके बाद उन्होंने DM ऑन्कोलॉजी की उपाधि जो है उन्होंने जयपुर से प्राप्त करी। इसके बाद उन्होंने यूरोपीय ऑन्कोलॉजी सोसाइटी से भी एक डिग्री प्राप्त करी और अभी वर्तमान में वो चिरायू मेडिकल कॉलेज में ऑन्कोलॉजी के कंसल्टेंट के पद पर कार्यरत हैं। हम हमेशा से ये देखते आए हैं कि जब कैंसर का नाम आता है तो लोग एकदम से घबरा जाते हैं और ऐसा लगता है कि कैंसर का नाम मतलब कोई डेथ वारंट है, इसके बाद जीवन शायद बचा नहीं। वही चीज़ें आती हैं कि सर्जरी होती है, कीमोथेरेपी होती है, रेडिएशन होती है, जिसको भी लेकर लोगों के दिमाग में तरह तरह की भ्रांतियाँ हैं। लेकिन उसके आगे भी बहुत से रिसेंट एडवांसेस आ गए हैं जिससे कैंसर काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है, जीवन को बढ़ाया जा सकता है और कई कैंसर में तो इसे पूर्ण रूप से ठीक किया जा सकता है। ऐसे ही रिसेंट एडवांसेस के बारे में और जो अभी प्रचलित है पद्धतियाँ, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने डॉक्टर अनिकेत गोयनका को यहाँ पर आमंत्रित किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो अनिकेत जी मेरे दिमाग में गूंजता है वो यही है कि आखिर क्यों हमारे देश में कैंसर इतना ज़्यादा फैल रहा है, आखिर क्या कारण है कैंसर होने का बहुत ज़्यादा। नमस्कार सर, आपको और दूरदर्शन को और दूरदर्शन के सभी व्यूअर्स को। सर, कैंसर आजकल हिंदुस्तान में बहुत फैल रहा है। आपके जितने भी व्यूअर्स होंगे उन सब ने कैंसर की बीमारी से किसी न किसी को जूझते देखा होगा, या तो अपने परिवार में या अपने समाज में। आने वाले समय में कैंसर हर 10 में से एक भारतीय को होने वाला है। तो अगर इस तरीके से देखें तो अगर आपके अभी 1000 व्यूअर्स हैं तो उनमें से 100 व्यूअर्स को आपके जीवन काल में कैंसर होने की संभावना है। कहने का मतलब कैंसर की दर इस तरीके से बढ़ रही है। वर्तमान में भारत में कैंसर की क्या स्थिति है सर? अभी वर्तमान में कैंसर हर साल करीबन 15 लाख लोगों को नए कैंसर होते हैं, और अगर ऐसा देखा जाए कि पुराने कैंसरों को भी इंक्लूड करें उसमें, तो एक साल में एक वक्त पे हिंदुस्तान के अंदर करीबन 32 लाख लोगों को कैंसर है, और आने वाले समय में ये दर और बढ़ने वाली है। तो मैंने जैसा आपसे पूछा कि डॉक्टर साहब क्यों हो रहा है ऐसा कि ये दर क्यों बढ़ती जा रही है, जबकि चिकित्सा विज्ञान तो नित नई तरक्की करता जा रहा है, लेकिन कैंसर क्यों बढ़ता जा रहा है? इसके दो प्रमुख कारण हैं। एक कारण है हमारी लाइफस्टाइल का। कैंसर हमारे जीवन शैली की बीमारी है, और जैसे जैसे हमारी जीवन शैली ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड होती जा रही है, हम कम कसरत कर रहे हैं, मोटापा बढ़ रहा है, और हमारे खाने पीने में भी जैसे जैसे आर्टिफिशियल चीज़ों का इंक्लूजन होने लग गया है, जैसे जैसे हम ज़्यादा तेल वाली चीज़ें, और हमारा वज़न जो मोटापा बढ़ रहा है, ये एक प्रमुख कारण है। और दूसरा कारण ये भी है कि हिंदुस्तान अभी एक जवान देश है और कैंसर बुज़ुर्गों की बीमारी है। धीरे धीरे करके हिंदुस्तान में एवरेज एज बढ़ रही है, और क्योंकि एवरेज एज बढ़ रही है तो कैंसर ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसका एक और कारण जिससे कैंसर बढ़ रहा है वो ये भी है कि सक्सेस ऑफ मेडिकल फील्ड, हम आजकल एवरेज लाइफ स्पैन बढ़ गया है। पहले हिंदुस्तानी एवरेज एज एवरेज लाइफ स्पैन 60 ईयर्स हुआ करती थी, आज वो 68 ईयर्स है, और धीरे धीरे करके वो और आगे बढ़ रही है हमारी मेडिकल साइंसेस की सक्सेस स्टोरी के कारण। तो जैसे जैसे एवरेज लाइफ स्पैन बढ़ रहा है वैसे वैसे कैंसर के इंसिडेंट्स भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि कैंसर ज़्यादातर बुज़ुर्गों में होता है। नंदस्वरूप मिश्रा जी हमारे बहुत ही नियमित दर्शक हैं, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से डॉक्टर साहब, वो एक सवाल पूछना चाहते हैं आपसे, उनका सवाल ले लेते हैं। स्वागत है आपका नंदस्वरूप जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, मैं जानना चाहता हूँ कि कितने प्रकार का कैंसर होता है, इसके रोकने रोकथाम के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए? जी, सो नंदस्वरूप जी ने एक बहुत ही पते का सवाल पूछा है। हमारे पास 150 से ज़्यादा कैंसर्स
मेंशन्ड हैं, कैंसर शरीर के किसी भी अंग का हो सकता है, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो लंग हो, चाहे वो बच्चेदानी हो, चाहे वो लैटरिन का रास्ता हो, चाहे वो आहार नली हो। तो इस तरीके से 150 से ज़्यादा कैंसर्स पूरे शरीर में हो सकते हैं। और क्योंकि कैंसर शरीर के विभिन्न अंगों के हो सकते हैं, इसलिए उसको उसका प्रेजेंटेशन, उसकी पहली मुख्य कंप्लेन, उसकी उसका लक्षण अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। और उनको अगर हम जल्दी पहचान लें तो उसमें कैंसर को हम जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं और उसका सही इलाज, और उससे हम सही रिजल्ट पा सकते हैं। दूसरा, रोकथाम के लिए कुछ जनरल चीज़ें हैं जिनका हमें विशेष रूप से ख्याल रखना है, जैसे तंबाकू सेवन, मदिरापान और कैंसर प्रिवेंटिंग लाइफस्टाइल का पालन करना है। इन सारी चीज़ों से दूर रहना है, तंबाकू और वेस्टर्नाइज्ड डाइट से हमें दूर रहना है, हमें अपनी सेहत पे ज़्यादा ध्यान देना है। हिंदुस्तान में मोटापा भी बहुत बढ़ रहा है और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जहाँ पे लोग ना वॉक पे जाते हैं ना कसरत करते हैं, और अधिकतर आप देखेंगे कि यंग एज के लोग आजकल मोबाइल पे, टीवी पे अपना काफ़ी समय बैठे बैठे गवा देते हैं। तो डॉक्टर साहब, मोटापा भी कैंसर का कारण है? जी, मोटापा कैंसर का एक प्रमुख कारण है। अच्छा। और अगर हम देखें ब्रेस्ट कैंसर और अदर मैलिग्नेंसीज, जैसे GI ट्रैक्ट के, मतलब आहार नली का कैंसर, लैटरिन के रास्ते का कैंसर, ये सब मोटापे से जुड़े हुए हैं, पाए गए हैं। और भी कई प्रकार के कैंसर्स सेडेंट्री लाइफस्टाइल से पाए गए हैं। हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिक मेमोरी होती है, मतलब अगर हम बचपन से ही सही आदतों को फॉलो करें जी, तो आने वाले समय में, मतलब जब हम बुज़ुर्ग होंगे, जब हमारी एज 60 होगी, तब उसका फ़ायदा हमें देखने को मिलेगा। अगर हम इस सारी चीज़ों को लेट शुरू करते हैं तो उसका फ़ायदा हमें कम देखने को मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई डॉक्टर साहब ने कि एक तो मोटापा जो है वो कैंसर का एक प्रमुख कारण है, और उन्होंने बताया कि लाइफस्टाइल, मदिरापान और धूम्रपान पर भी उन्होंने कमेंट किया, जो कि आजकल हमारे देश के अंदर बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और हमारे देश में मोटे लोगों की संख्या भी आप देख लेते हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इसके लिए सतर्क रहने की ज़रूरत है। और एक और बात जो उन्होंने बोली कि अगर हम बचपन से सही लाइफस्टाइल लागू करेंगे तो उसका फ़ायदा हमें मिलेगा, अगर जीवन की लेट स्टेज पे हम शुरू करेंगे तो कई बार हमें उसका फ़ायदा जो है कम मिलता है। कॉलर है हमारे साथ जावेद जी, उनका सवाल ले लेते हैं। स्वागत है आपका जावेद जी, पूछिए जावेद भाई, क्या सवाल है आपका? नमस्कार, पूछिए। ऐसा मेरा सवाल ये है कि ये जो कैंसर की बीमारी है जी, ये डिजीज जो है क्या ये जेनेटिक भी होती है? तो जावेद जी का सवाल जो है कैंसर के कॉजेशन पे है जी। कैंसर मुख्य तौर पे दो कारणों से होता है, और दो चीज़ों का एक बैलेंस कह सकता हूँ मैं इसे। एक कारण है कैंसर की लाइफस्टाइल, कैंसर की एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि तंबाकू का सेवन करना, और दूसरा फैक्टर है जेनेटिक्स। आपने देखा होगा कई परिवारों में लोगों को कैंसर ज़्यादा होते हैं, कई ऐसे परिवार हैं जिसमें कैंसर की समस्या ज़्यादा पाई गई है। आपने देखा एक आंटी को ब्रेस्ट कैंसर था, तो उनकी जो बिटिया है, बिटिया थी, उनको भी बोला गया कि जल्दी जल्दी स्क्रीन कराया करो जी। तो कुछ जेनेटिक फैक्टर्स रहते हैं और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स रहते हैं। ऐसा ये देखा गया है कि अगर आप अपने आप, जेनेटिक्स तो किसी के हाथ में है नहीं एटलीस्ट अभी के लिए, कुछ और भी थेरेपीज आ रही हैं जो जीन्स को ही टारगेट करती हैं, लेकिन अभी के लिए, आम जन के लिए, अभी हम अपने एनवायरनमेंट को ही कंट्रोल कर सकते हैं। हम यही कंट्रोल कर सकते हैं कि हम तंबाकू का सेवन ना करें, हम कैंसर होने वाली चीज़ें ना, उसका उपयोग ना करें, हम कैंसर प्रिवेंटिंग लाइफस्टाइल्स को फॉलो करें। तो डॉक्टर, वैसे आमतौर पर आपकी प्रैक्टिस में आप ये बताइए कि ऐसे कौन से कैंसर रहते हैं जो अनुवांशिक होते हैं, जिनके बारे में आप उनके घर वालों को ये बोलते हैं कि भाई आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जैसे कि एक तो ब्रेस्ट कैंसर की आपन ने बात करी, और कौन से कैंसर ऐसे कॉमनली आपकी प्रैक्टिस में आते हैं जो अनुवांशिक होते हैं, जिनके बारे में आप लोगों को बोलते ही हैं कि आप अपने परिवार में भी इसकी धरपकड़ करें? कैंसर में बच्चादानी के मुंह का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर जो होता है, उसमें ये अनुवांशिक होता है।
और भी जैसे लैट्रिन के रास्ते का कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर, आहार नली का कैंसर, कैंसर एक प्रकार से लगभग लगभग सब प्रकार के जो होते हैं वो फैमिली में पाए जा सकते हैं। हमको उसके लिए हर एक पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री देखनी चाहिए और जेनेटिक टेस्टिंग कुछ उन पेशेंट्स की करानी चाहिए जिनमें हाई रिस्क रहता है। जैसे कई आपने देखा होगा कई लोगों को कैंसर बहुत यंग एज में हो जाता है, उसका एक कारण ये है कि उनकी जेनेटिक्स उसको प्रमोट करती है। अगर हम अपने 100 कैंसर के पेशेंट देखते हैं तो उसमें करीबन करीबन 10% कैंसर हम ये पाते हैं कि कोई ना कोई सिंड्रोम, कोई ना कोई जेनेटिक टेस्टिंग से हम उसमें कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ पकड़ सकते हैं जिसके अंदर उनका जेनेटिक कॉज निकल आ सकता है। डॉक्टर साहब, आपने जैसे सर्वाइकल कैंसर की बात करी, हमने देखा था आपको अभी भास्कर का एमरेंस अवार्ड मिला 2023 का, उसमें आपने लिखा था कि आपने कोई मेडिकल ऑन्कोलॉजी की अपडेट थी उसमें आपने सर्वाइकल कैंसर के बारे में बताया। तो सर्वाइकल कैंसर के बारे में आपने वैक्सीनेशन के बारे में बताया, तो क्या ये प्रिवेंटेबल है और सर्वाइकल कैंसर से कितनी महिलाएं ग्रस्त हो जाती हैं, कितनी बड़ी समस्या हमारे भारत देश में ये? बच्चेदानी के मुंह का कैंसर को हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। बच्चेदानी के मुंह का कैंसर यदि हम पूरी दुनिया में देखें तो भारत उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। हर 3 सर्वाइकल कैंसर के मरीज में से एक सर्वाइकल कैंसर का पेशेंट भारत से आता है, और हिंदुस्तान में हर 8 मिनट में एक सर्वाइकल कैंसर की पेशेंट की मृत्यु होती है। तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। सर्वाइकल कैंसर एक इन्फेक्शियस डिजीज़ के कारण होता है, मतलब जैसे हमने कोरोना वायरस का नाम सुना है जी, वैसे ही एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस पाया जाता है जिसके कारण सर्वाइकल कैंसर की बीमारी होती है। अभी हमने एक वैक्सीनेशन बनाया है, जैसे कोरोना का वैक्सीन था वैसे ही एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का भी वैक्सीन है, जो जिसे सरकार ने इसी साल से यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में, जो कि सरकार की बच्चों को इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम रहता है जी, उसमें भी इंकॉर्पोरेट कर लिया है। तो इस सभी बच्चियों का इम्यूनाइजेशन यदि हम करेंगे तो हिंदुस्तान को इस बीमारी से मुक्त किया जा सकता है। तो किस उम्र में इम्यूनाइजेशन करना चाहिए? इसको 9 से 14 साल की उम्र में हमें इम्यूनाइजेशन करना चाहिए। 14 साल की उम्र से पहले जब बच्ची के महीने नहीं आते हैं या फिर जब शादी नहीं होती है, तब यदि हम ऐसा देखा गया है कि अगर हम इम्यूनाइजेशन करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा रहता है। हालांकि कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है, और अभी साइंस इसमें और डेवलप होगी, कि इसका इम्यूनाइजेशन हम बड़ी एज में भी कर सकते हैं लेकिन शायद उसका फ़ायदा कम हो। बहुत ही अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने कि जिस सर्वाइकल कैंसर से इतनी बड़ी तादाद में महिलाएं जो हैं काल कवलित हो रही हैं, और हमारे देश में महिलाओं के लिए तरह तरह के आंदोलन किए जा रहे हैं। सरकार ने बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब आपने कि इसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल कर लिया है। दर्शकों को ये जानना चाहिए कि जो भी बच्चियाँ इस एज की हैं उनको अगर वो कितने टीके लगाते हैं डॉक्टर साहब? अगर 9 से 14 साल की उम्र के बीच में वैक्सीनेशन होता है तो ऐसा पाया गया है कि 2 डोज काफ़ी हैं, लेकिन अगर 14 साल की उम्र के बाद अगर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इम्यूनाइजेशन किया जाता है तो फिर 3 टीके लगाने रहते हैं। अच्छा, तो इससे कितनी सुरक्षा मिल जाती है? इससे 90% से ऊपर की सुरक्षा मिल जाती है। आपने बताया कि हाइजीन का इससे बहुत कुछ लेना है, हमारे ग्रामीण इलाकों में कई बार हाइजीन के बारे में लोग इतने जागरूक नहीं रहते, तो क्या किस तरीके की हाइजीन किन लोगों में ज़्यादा होता है? जैसा कि मैंने बताया कि सर्वाइकल कैंसर इन्फेक्शियस कॉज से है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से है, तो उसमें ये भी देखा गया है कि महीने के दौरान ग्रामीण परिस्थिति में लोग पैड्स की जगह घर का सबसे ख़राब कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, और फिर होता यह है कि अगर उसे हम धोकर इस्तेमाल वापस से करें तो जब हम धो के उसे सुखाते हैं तो उस पर कभी मक्खियाँ आती हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके कारण ये इस कपड़ा उतना साफ़ नहीं रहता, इसलिए कॉटन पैड्स और सैनिटरी नैपकिन्स का इस्तेमाल करना हमेशा प्रेफरेबल रहता है इनके मुकाबले। देखिए बहुत ही छोटी सी बात है लेकिन कितनी बड़ी बीमारी से महिलाओं को बचा रही, और जो करना आसान है क्योंकि आजकल तो सैनिटरी पैड की मैंने सुना है कि सरकार भी व्यवस्था करके देती है और वो लोगों को मिलता है। डॉक्टर साहब,
अभी तक तो जो कैंसर का इलाज होता था, आपके इधर भी कैंसर का डिपार्टमेंट है और आप लोग बोलते हैं कि उसमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए पेट सीटी और पूरी टीम का योगदान रहता है, तो ये जो आप रिसेंट एडवांसेस की बात कर रहे हैं ये उन्हीं चीज़ों में ऐड हो रहा है? क्या होता है ये रिसेंट एडवांसेस, क्या चीज़ें आप नई सीख कर आए हैं कि जो कैंसर के उपचार के अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी? कैंसर में अब कुछ और नए ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ भी ऐड हो गए हैं, जिसमें हम टारगेटेड थेरेपी और चेकपॉइंट इनहिबिटर थेरेपी और जीन थेरेपी की बात करते हैं। सबसे पहले टारगेटेड थेरेपी में कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो कि कैंसर को लक्ष्य बना के टारगेट करके, कैंसर सेल्स के ऊपर अपना एक लक्ष्य ढूंढ के उसी को टारगेट करके मारती है। ये थेरेपी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है और कम साइड इफ़ेक्ट्स के साथ अपना काम करती है। दूसरी थेरेपी एक चेकपॉइंट इनहिबिटर थेरेपी है, जो कि बहुत करोड़ों की रिसर्च करने के बाद हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम का इस्तेमाल करके कैंसर सेल को टारगेट करने के लिए बनाई गई है। वो कैंसर सेल को हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके उनको ख़त्म करने में मदद करती है। तो ये थेरेपीज़ भोपाल में आपके पास अवेलेबल है? जी सर, ये अच्छा। ये सारी थेरेपी हमारे यहाँ अवेलेबल है। टारगेटेड थेरेपीज़ में कुछ तो आयुष्मान के अंदर भी उपलब्ध है और चेकपॉइंट इनहिबिटर थेरेपीज़ पे भी हमारे यहाँ भी काम हो रहा है और हिंदुस्तान में भी काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। तो डॉक्टर साहब, ये जो दवाइयाँ हैं, मैं देख रहा था एक जगह कि दवाइयाँ बड़ी एग्जॉर्बिडेंटली कॉस्टली, आपने खैर बहुत अच्छी जानकारी दी कि आयुष्मान में भी शामिल है, और आपने इंदौर के अंदर अभी एक कॉन्फ्रेंस भी थी आईकॉन की, तो उसके अंदर आपने एक कैंसर की कॉस्ट को कैसे कम किया जाए थेरेपी के, इसके ऊपर प्रेजेंटेशन दिया था जिसमें आपको प्रथम पुरस्कार भी मिला था। तो कैसे कम करेंगे कॉस्ट आप कैंसर की, क्योंकि कई बार कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा होती कि आदमी जो है वो ट्रीटमेंट की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। चेकपॉइंट इनहिबिटर्स करोड़ों की रिसर्च के बाद बने हुए मॉलिक्यूल्स हैं और ये काफ़ी महंगे होते हैं। इनको कॉस्ट कम करने के लिए हिंदुस्तान के अंदर ही अच्छी रिसर्च हुई और टाटा मेमोरियल अस्पताल ने उसमें एक अहम भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने ये पाया कि चेकपॉइंट इनहिबिटर को यदि हम कम डोज में दें, कम डोज से हमारा मतलब है कि जब हम कम डोज में दवाई देंगे तो उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। अगर 200 मिलीग्राम की दवाई को हम 20 मिलीग्राम देंगे तो 10% दवाई देने में 10% की कॉस्ट हो जाएगी। उसमें भी अगर हम बीमारियों में इस डोज पे भी दवाई को दें तो भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा देखने को मिला है और लगभग उतना ही फ़ायदा देखने को मिला है। दूसरी चीज़, हम कॉस्ट कटिंग के लिए हम इसमें ड्रग वायल शेयरिंग पे हमारा पेपर था जिसको काफ़ी सराहना मिली थी इंदौर की कॉन्फ्रेंस में, और इस तरीके की चीज़ें हम करना चाहते हैं, करते हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तान में काम करते हैं, हिंदुस्तान का परिवेश जो है एक लो मिडिल इनकम कंट्री है और हमारे पेशेंट्स सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। जो आपकी चेकपॉइंट थेरेपी और टारगेटेड थेरेपी है, ये कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी इनके साथ देते हैं, इनके बाद देते हैं, कब देते हैं? जी, कुछ थेरेपीज इनके साथ दी जाती है और कुछ कई बार आजकल ये इनका सक्सेस इतना बढ़ गया है कि ये अपने आप में भी काफ़ी कारगर हो गए हैं। कुछ बीमारी एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें कि एक बीमारी है क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, जो 2001 से पहले तक, जब तक इसकी टारगेटेड थेरेपी इमातिनिब नाम की दवाई नहीं आई थी, तब तक इसके अंदर जीवन केवल 5 साल का था। अगर यदि ये बीमारी किसी को होती थी तो वो 5 वर्ष से ज़्यादा नहीं जी पाता था, लेकिन जब 2001 में इमातिनिब नाम की दवाई आई जो कि टारगेटेड थेरेपी है, वो थेरेपी के बाद इस बीमारी में जीवन लगभग पूरा हो गया है। अपना लाइफ स्पैन एक आदमी जिसको ये बीमारी होती है वो पूरा जी सकता है। बहुत ही अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने कि क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया जो एक तरीके का ब्लड कैंसर है, जिसमें पहले लाइफ स्पैन केवल 5-7 साल का रहता था उन दवाइयों के, लेकिन ये जो टारगेटेड थेरेपी आई है इसके द्वारा आदमी का लाइफ स्पैन लगभग पूरा हो जाता है, तो ये वास्तव में बहुत ही क्रांतिकारी। कुछ कुछ कैंसर्स में तो वास्तव में ऐसा चमत्कार हो गया। आपने जैसे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के अंदर जो लिम्फ नोड के ऊपर भी करा था, मैं कहीं पढ़ रहा था कि कोई ऐसी भी कार्टल टी थेरेपी आई है जिसके अंदर अमेरिका वगैरह में उस पर वो बहुत कारगर है 2-3 बीमारियों में, जिसमें पूरी तरीके से क्योर हो जाती है, लेकिन वहाँ तो कॉस्ट
बिलियंस में बता रहे थे, हमारे देश में उसकी क्या स्थिति, मैं आपका जवाब लेता हूँ। एक दर्शक हमारे साथ बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उनका नाम ले लेते हैं। प्रदीप साहू जी, पूछिए अपना सवाल, क्या सवाल है आपका? मैं ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर से, जी जी, कि कैंसर में जो आधुनिकतम उपचार है, मैं डॉक्टर प्रदीप साहू बोल रहा हूँ, जी जी बोलिए सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कैंसर में जो आधुनिकतम उपचार है, ये सारे प्रकार के कैंसर में एक जैसा होता है या अलग अलग प्रकार का होता है, और इन सारे आधुनिकतम उपचार के अलग अलग रिजल्ट है या एक जैसे रिजल्ट है, ये बताइए प्लीज। जो लेटेस्ट एडवांसेस हैं वो लगभग लगभग हर एक कैंसर में कुछ ना कुछ हो रही है। साइंस रोज़ प्रगति करती है और हर बीमारी में कुछ ना कुछ नई प्रगति हुई है। ये ज़रूर है कि कुछ बीमारियों में बहुत ज़्यादा प्रगति हुई है और हमें रिजल्ट्स बहुत बेहतर देखने को मिले हैं, और कुछ बीमारियों में हमें रिजल्ट्स 2% 5% के देखने को मिले हैं। तो ये ज़रूर है कि हर एक कैंसर के अंदर कुछ ना कुछ नई प्रगति, नई दवाइयाँ और नए ऑप्शंस खुले हैं। लेकिन हम कॉशन भी दिए देंगे कि ऐसा भी नहीं है कि हर एक बीमारी को हमने जीत लिया है। अगर हम देखें कैंसर के अंदर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जहां पे नई दवाइयों ने, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, जिसके अंदर 2001 के बाद एक क्रांति सी आ गई, जी जी, वैसे ही कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जिसमें अभी हमें और रिसर्च और एडवांसेस की ज़रूरत है। अगर मैं आपको लंग कैंसर का एग्जांपल दूं, तो लंग कैंसर के अंदर एक प्रकार का लंग कैंसर जिसके अंदर टारगेटेड म्यूटेशंस अवेलेबल हैं और टारगेटेड थेरेपी दी जा सकती है, उसके अंदर लाइफ स्पैन, जहां पहले टारगेटेड थेरेपी नहीं दी जाती थी, वहां पे यदि 6 महीने 1 साल का था, तो आज वो 3.5 साल 4 साल का हो गया है चौथी स्टेज के कैंसर। तो टारगेटेड थेरेपी इस रूप से काफ़ी कारगर रूप से काफ़ी जगह पर आई है और काफ़ी सारी बीमारियों में उन्होंने काफ़ी बदलाव लाए। कहने का मतलब ये डॉक्टर प्रदीप साहू साहब की, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 150 से अधिक कैंसर इस बॉडी के अंदर होते हैं, कई कई कैंसर ऐसे आइडेंटिफाई किए गए, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि CML के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी पूरी तरीके से नॉर्मल हो गई। ऐसे और भी बहुत से कैंसर है जिसमें, जैसे वोकल कॉर्ड का कैंसर होता है, उसमें आदमी अपनी लाइफ पूरी कर लेता है, लेकिन बहुत से कैंसर के अंदर, जैसा आपने बोला था, जनरलाइज जवाब देना इसके अंदर मुमकिन नहीं है। आगे जैसे जैसे प्रगति होती जाएगी, डॉक्टर साहब उसी तरीके से आप रिजल्ट जो है क्वान्टिफाई करते जाएंगे। डॉक्टर साहब, हमारा समय ख़त्म हो रहा है, विषय बहुत ही रोचक है। मैं आखिरी में आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए उनको, ताकि कैंसर उनके जीवन में आए ना, और आए तो घबराएं ना। मैं आपके दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि एक तो वो कैंसर प्रिवेंटिव लाइफस्टाइल को फॉलो करें, जहाँ पर वो अपने आप को उन सभी चीज़ों से बचाएँ जो कैंसर करा सकते हैं, जैसे तंबाकू का सेवन, जैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल जहाँ पे वो मोटापे को घर बुलाएं, ऐसी कोई भी चीज़ ना करें। बिल्कुल। दूसरी चीज़, हमें सतर्कता बरतनी रहेगी। अगर हम कैंसर को जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उससे हमें कैंसर की सक्सेस रेट, कैंसर के ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाता है। अगर वज़न कम हो रहा है, बहुत लंबे समय की खांसी है, तो वो लंग का कैंसर हो सकता है। अगर कहीं से भी शरीर के किसी भी ऑरिफिस से खून आता है, खून का रिसाव होता है लैट्रिन के रास्ते, पेशाब के रास्ते, मुंह से, नाक से, तो उस पे हमें ध्यान देना रहेगा। यदि काफ़ी लंबे समय तक बुखार है, तो वो एक कैंसर का कॉज हो सकता है। यदि कहीं गिठलियाँ हो रही हैं, कहीं गुठलियाँ उठ रही हैं, तो वो कैंसर हो सकता है। अगर हम अपनी सेहत पर ध्यान दें, और ऐसा कोई भी चीज़ जो, अगर ब्रेस्ट के अंदर कोई गुठली उठ रही है, अगर महिलाओं को सफ़ेद पानी की शिकायत काफ़ी लंबे समय से हो रही है, या फिर संभोग के बाद खून का रिसाव हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों को हम इग्नोर ना करें और जल्द से जल्द किसी डॉक्टर का परामर्श लें, तो हम कैंसर को जल्दी पकड़ सकते हैं। और यदि हम जल्दी पकड़ेंगे, तो उसमें हमारा ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, अधिक है। बहुत ही अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने, कि लक्षण भी बड़े विस्तार से उन्होंने बताए, अगर अपन जल्दी पकड़ेंगे तो जल्दी उस पर विजय पालेंगे। डॉक्टर साहब, समय हमारे पास कम है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप स्टूडियो में आए, इतनी पूरी जानकारी दी। लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हमारा जो अगला प्रोग्राम है, वो हम उस पर बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर के बारे में, क्योंकि ये महीना जो है ब्रेन ट्यूमर का है, और जिसके लिए डॉक्टर नितिन गर्ग जो कि न्यूरो सर्जन है, वो हमारे बीच में रहेंगे। हम मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद।
क्या खत्म होगा 17 साल का इंतजार? क्या किंग कोहली और हिटमैन की होगी वर्ल्ड कप में जीत से विदाई? क्या टीम इंडिया है तैयार? देखिए T20 वर्ल्ड कप का सीधा प्रसारण 5 जून से टीवी फ्री डिश पर। अवंतिका सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे। नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है दूरदर्शन के सजीव फोन इन कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य में। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम ब्रेन ट्यूमर के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर नितिन गर्ग, जो कि न्यूरोसर्जन हैं, जो कि काफ़ी विविध प्रकार की न्यूरोसर्जरी करते हैं। आप नेजो न्यूरो एंडोस्कोपिक सर्जरीज भी करते हैं और दिमाग के रास्ते का ट्यूमर नाक के रास्ते से भी कई बार निकालते हैं। और इनके पास ऐसा न्यूरो नेविगेशन सिस्टम भी है जिससे इनको ये पता लग जाता है कि इस समय वो कहाँ पर काम कर रहे हैं, ताकि काम के अंदर प्रिसीजन जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। उन्होंने ये सजेशन दिया कि मई का महीना जो है वो ब्रेन ट्यूमर अवेयरनेस के मंथ के रूप में मनाया जाता है और हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए, ताकि इसके प्रारंभिक लक्षण के समय ही हम इस ब्रेन ट्यूमर को पकड़ सकें। तो डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब। ये जो ब्रेन ट्यूमर अवेयरनेस मंथ को मनाने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? राइट। सो देखिए, ब्रेन ट्यूमर्स एक प्रकार से रेयर ट्यूमर्स की श्रेणी में आते हैं। रेयर ट्यूमर्स इसलिए कि पूरे शरीर में अगर हम ट्यूमर्स देखें तो सिर्फ 1-2% ट्यूमर्स ही ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं। और क्योंकि इंसिडेंस बहुत कम है या परसेंटेज कम है, तो लोगों में, समाज में इस बीमारी को लेके काफ़ी भ्रांतियाँ हैं या काफ़ी मिसकंसेप्शंस हैं। और जो नए आधुनिक उपकरण या फैसिलिटीज़ आई हैं इसको इलाज करने की, उसके बारे में जानकारी भी कम है। सो इन्हीं भ्रांतियों को दूर करने के लिए और लोगों को इसके इलाज से, आधुनिक इलाज से अवगत कराने के लिए ये ब्रेन ट्यूमर अवेयरनेस मंथ विश्व में मनाया जाता है। तो डॉक्टर साहब, आमतौर पर आप जैसे कह रहे हैं इसका इंसिडेंस बहुत कम है, राइट, तो क्या प्रारंभिक लक्षण होते होंगे कि आदमी को ऐसी आशंका जगे मन में, राइट, कि उसके को अपने को जाँचें करा लेनी चाहिए, और कैसे पता करते हैं आप? राइट। सो देखिए, मुख्य तौर पर ब्रेन ट्यूमर के लक्षण हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्रेशर इफ़ेक्ट्स और दूसरा होता है इरिटेटिव इफ़ेक्ट्स। तो जो प्रेशर इफ़ेक्ट्स होते हैं, जब ट्यूमर अंदर बढ़ता है, तो जैसे कि हम जानते हैं ब्रेन के इर्द गिर्द हड्डी होती है, खोपड़ी होती है, तो अंदर जब ट्यूमर डेवलप होता है, बढ़ता है, तो ब्रेन के ऊपर प्रेशर आता है और इस प्रेशर के चलते ये लक्षण आते हैं, प्रेशर इफ़ेक्ट्स। सबसे कॉमन सिम्टम होता है हेडेक होना, साथ में वॉमिटिंग होती है और कभी कभार आँखों में धुंधलापन आता है। अब यहाँ मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि हेडेक एक बहुत कॉमन सिम्टम है और हर एक को कहीं ना कहीं लाइफ में हेडेक होता ही है, और सबसे कॉमन कारण हेडेक के माइग्रेन और स्ट्रेस हेडेक होते हैं। बट ब्रेन ट्यूमर के जो हेडेक होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न का होता है। जनरली ये लक्षण 1-2 महीने का होता है। ज़्यादातर पेशेंट्स में ये रात में नींद के समय पेशेंट एकदम उठ जाते हैं कि हमें बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, और उनको 1-2 उल्टियाँ होती हैं जिसके बाद उनका ये सर दर्द कम हो जाता है। तो ये हेडेक थोड़ा सा ध्यान में रखना ज़रूरी है। अगर ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का है तो हम इसको रूल आउट करना चाहते हैं ब्रेन ट्यूमर को। दूसरा, हम इरिटेटिव इफ़ेक्ट्स देखेंगे। इरिटेटिव इफ़ेक्ट्स में ये होता है कि मिर्गी का दौरा आना, या बोलने की क्षमता कम हो जाना, या एक साइड कमज़ोरी आ जाना, या पैरालिसिस हो जाना, या बर्ताव में बदलाव आ जाना। नाउ मिर्गी, अगेन मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूँगा, ये भी एक बहुत कॉमन सिम्टम है। जी जी। बट किसी भी पेशेंट, अगर वो 25-30 साल से ज़्यादा उम्र के हैं और पहली बार लाइफ में उनको मिर्गी का दौरा आया है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ब्रेन ट्यूमर को रूल आउट कर दें जाँच करके। दूसरा एक होता है बिहेवियरल सिम्टम्स। तो काफ़ी बार कुछ पेशेंट्स डल हो जाते हैं या सुस्त हो जाते हैं, या सोशल एक्टिविटी कम हो जाती है, तो घर में बैठे हैं, एक कोने में बैठे हैं, बातें कम करते हैं। अब आजकल के लाइफस्टाइल में काफ़ी बार इसको डिप्रेशन के साथ कोरिलेट किया जाता है। जी, जी।
तो ऐसे में अगर कोई सिम्टम है तो इसमें इवेलुएट करना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जैसे फ्रंटल लोब में होते हैं जिसमें ये लक्षण आ सकते हैं। तो इसको डायरेक्ट डिप्रेशन का नाम ना लेबल करके उसको इन्वेस्टिगेट करके रूल आउट करना चाहिए। सो मुख्य तौर पर ये दो प्रकार के लक्षण होते हैं। तो डॉक्टर साहब, आमतौर पर कौन से एज ग्रुप होता है जिसके अंदर ब्रेन ट्यूमर ज़्यादा मिल जाता है? तो देखिए, ये ब्रेन ट्यूमर्स सभी एज ग्रुप में पाए जाते हैं, 1 साल के बच्चे से लेके 90 साल के बुज़ुर्गों में भी। अच्छा। और मैं ये बताना चाहूँगा कि बचपन में, मतलब अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज अगर हम देखें तो ये सेकंड मोस्ट कॉमन ट्यूमर्स होते हैं। मतलब बच्चों में ब्लड कैंसर के बाद ब्रेन ट्यूमर सबसे कॉमन ट्यूमर्स होते हैं। सो ब्रेन ट्यूमर्स बच्चों में, खासकर 12 साल से कम के बच्चों में ब्लड कैंसर के बाद कॉमन पाए जाते हैं। फिर एक सेकेंड ग्रुप होता है आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज, और उसमें ब्रेन ट्यूमर्स काफ़ी बार मेटास्टेटिक ट्यूमर्स होते हैं कि शरीर में कहीं और से उत्पन्न होके वो ब्रेन में फैल गए हों, बट अक्रॉस द एज ग्रुप ये ट्यूमर्स पाए जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप लोग तो अक्सर बोलते हैं कि ट्यूमर दो तरीके के होते हैं, कैंसरस होता है, नॉन कैंसरस होता है, तो ये कैसे पता लगा लेते हैं? लक्षण तो दोनों ही देंगे मुझे लगता है। सो लक्षण में कोई फर्क नहीं होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और ये लोगों को जानना भी बहुत ज़रूरी है कि सारे ब्रेन ट्यूमर्स कैंसर नहीं होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट दूसरा, करीबन 120 प्रकार के ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं। अच्छा। वेरी करता है एज से और पोजीशन से, लोकेशन से। तीसरा, जैसे आपने पूछा ये कैसे पता चलता है, तो सीटी या एमआरआई करके हमें कुछ हद तक अंदेशा हो जाता है कि ये कैंसरस हो सकता है या बेनाइन हो सकता है या नॉर्मल हो सकता है, बट फाइनल तो ये जब हम गठान निकालते हैं सर्जरी करके, इसको बायोप्सी के लिए भेजते हैं, फाइनल डिसीजन या फाइनल डायग्नोसिस उसी के आधार पे होता है। तो डॉक्टर साहब, आप जैसे बोलते हैं कि साहब ब्रेस्ट की अगर कैंसर है तो उसमें अपन एफएनएसी कर लें। राइट। अब ब्रेन तो बोलते हैं कि उसके अंदर बहुत सारा खून बहता है, और वो तो हड्डी है, तो वहाँ से तो सुई जा नहीं सकती। तो ऐसा कोई और तरीका है नॉन इन्वेसिव, या ऐसा कम से कम जिसमें डिस्टर्बेंस हो और पता लग जाए कि शायद ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े, कोई थेरेपी से काम चल जाए? राइट। सो देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि डेली हम ये फेस करते हैं जब हम डिस्कस करते हैं फैमिलीज़ के साथ। तो सबसे पहले देखिए, ब्रेन ट्यूमर का ट्रीटमेंट, सबसे पहला ट्रीटमेंट सर्जरी होता है, और उसका रीज़न ये है कि ब्रेन के अंदर जैसे ही कोई ट्यूमर बढ़ता है वो प्रेशर इफेक्ट कॉज करता है, तो सर्जरी करना एक प्रकार से अनिवार्य होता है। दूसरा, जैसे कि दूसरे कैंसर्स में, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो जैसे आपने बताया, कि हम पहले एफएनएसी करके सुई के ज़रिए जांच कर लेते हैं कि ये कैंसर है कि नहीं है, ब्रेन में ऐसा करना संभव नहीं होता है। तीसरा, आजकल एमआरआई स्कैन्स में कुछ एडवांस्ड इमेजिंग टेक्निक्स आ गई हैं। एक एग्जांपल दूंगा मैं, काफ़ी बार ट्यूबरकुलोसिस और ब्रेन ट्यूमर में कन्फ्यूज़न होता है कि जो रिंग एनहांसिंग लीजन्स होते हैं उसमें ये कन्फ्यूज़न रहता है कि अरे ये कहीं कैंसर तो नहीं है वर्सेस कहीं ये कीड़ा तो नहीं है या वर्सेस कोई टीबी तो नहीं है। इसमें हम स्पेशल एमआरआई टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिसको हम एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और एमआर परफ्यूजन कहते हैं। एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और परफ्यूजन से हम काफ़ी हद तक पता लगा सकते हैं कि ये ट्यूमर है या इन्फेक्टिव है। ऑफ कोर्स ट्यूमर में हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, इस पर अभी बहुत रिसर्च चल रहा है, और आजकल जैसे AI सब फील्ड्स में आ रहा है, इसी प्रकार MRI में भी AI के ऊपर बहुत रिसर्च चल रहा है। हो सकता है कुछ सालों में हम MRI के आधार पर ही डायग्नोस कर पाएँ, बट अभी वो फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। तो सब हमारे पड़ोस में एक को किसी को ब्रेन ट्यूमर हुआ था, और वो जैसा आप बता रहे हैं कि वो सर्जरी कराने में बड़े रिलेक्टेंट थे, तो उनको बोला गया साहब कि आप तो ऐसा करिए कि कहीं दिल्ली बम्बई जाइए, वहाँ गामा नाइफ से करा लीजिए, स्टीरियोटैक्टिक सर्जरी करा लीजिए, ये सब मेथड क्या है, कैंसर भी ट्यूमर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है? सो ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, और मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूँगा। सो ब्रेन एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, और ब्रेन में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, वाइटल एरियाज़ हैं, जहाँ पे सर्जरी के ज़रिए पहुँचना मुश्किल होता है। दूसरा, कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं, जैसे कि मेनिन्जियोमास या श्वानोमास। तो आजकल जैसे कि MRI की फैसिलिटी बढ़ती जा रही है, काफ़ी बार थोड़ा सा हेडेक होता है या कुछ चक्कर भी आते हैं तो पेशेंट्स या डॉक्टर्स MRI करा लेते हैं, और उस दौरान हमें कोई गठान दिखती है जो शायद पेशेंट के लक्षण का कारण नहीं है, बट क्योंकि अब वो गठान दिख रही है और MRI के आधार पे हमें ऐसा समझ आ रहा है कि ये
बेनाइन है या ये कैंसर नहीं है, और ये छोटी सी गठान है। एक साइज़ होता है जिसको हम 3 सेंटीमीटर का एक बेंचमार्क लेते हैं जी। ये 3 सेंटीमीटर से छोटी है, पेशेंट के लक्षण का कारण नहीं है, अंदरूनी जगह पे है। तो इसमें दो विकल्प होते हैं, एक होता है कि हम MRI करके देखते रहें सालाना या 6 महीने में कि ये बढ़ तो नहीं रही है। दूसरा विकल्प होता है जिसे हम स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी या गामा नाइफ कहते हैं। ये एक प्रकार से बहुत ही एडवांस्ड और बहुत ही प्रिसाइज रेडिएशन की टेक्निक है। ये इसकी अलग मशीन होती है जिसमें रेडिएशन के ज़रिए या सिकाई जो हम बोलते हैं इस ट्यूमर को जलाया जाता है। नाउ ये टेक्निक सिर्फ बिनाइन ट्यूमर्स में काम आती है, कैंसर्स में इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। कैंसर के पेशेंट्स में हमें नॉर्मल सिकाई देनी होती है जिसे हम IMRT कहते हैं। सो गामा नाइफ रेडियो सर्जरी या स्टीरोटैक्टिक रेडियो सर्जरी एक बहुत अच्छा विकल्प है। कुछ एग्जांपल्स मैं देना चाहूँगा, जैसे पिट्यूटरी एडिनोमास, कभी कभार ये कुछ ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ हम सर्जिकली पहुँच नहीं पाते हैं जैसे कैवर्नस साइनस में, तो उसे गामा नाइफ के जरिए जला सकता है। स्कल बेस मेनिंजियोमास या CP एंगल अकाउस्टिक श्वानोमास, बट इसके बहुत स्पेसिफिक क्राइटेरिया हैं और ये आप न्यूरोसर्जन के साथ मिलके बैठ के हम डिसाइड करते हैं कि ये विकल्प अपनाना चाहिए कि नहीं चाहिए। क्योंकि लोग आजकल बहुत बोलते हैं कि की होल सर्जरी का ज़माना है, और कई बार लोग ये भी चाहते हैं कि हमारे को बिना चीर फाड़ किए बीमारी निकल जाए। तो डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार में बताया, लेकिन उनकी बात का निष्कर्ष यही है कि ये एक न्यूरोसर्जन ही डिसाइड करेगा, विशेषज्ञ, कि आपको गामा नाइफ में भेजना है कि आपकी सर्जरी करना है। डॉक्टर साहब, ये न्यूरो एंडोस्कोपी जो रहती है, की होल सर्जरी, इसका क्या रोल है इस ब्रेन ट्यूमर के अंदर? यस, सो अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। और न्यूरो एंडोस्कोपी एक प्रकार से, जैसे कि आजकल सब फील्ड्स में की होल सर्जरी हो रही है, वैसी ब्रेन में भी की होल सर्जरी थ्रू न्यूरो एंडोस्कोपी हो रही है। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है नाक के जरिए ट्यूमर को निकालना और दूसरा होता है स्कल के जरिए ट्यूमर को निकालना। नाउ नाक के जरिए जो ट्यूमर निकालते हैं जिसको हम एंडोनेजल एंडोस्कोपी बोलते हैं, सबसे कॉमन उदाहरण है पिट्यूटरी एडिनोमास। ये अब स्टैंडर्ड ऑफ केयर है, अब कोई भी इसके लिए ओपन सर्जरी नहीं करते हैं। और जैसे हमारी नॉलेज और स्किल डेवलप होती जा रही है, कुछ और ट्यूमर्स हैं स्कल बेस में जो हम नाक के जरिए दूरबीन के जरिए निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्कल के जरिए या खोपड़ी के जरिए दूरबीन। सो इसमें कुछ ट्यूमर्स होते हैं जैसे कि बहुत डीप सीटेड वेंट्रिकल ट्यूमर्स, जैसे फॉर एग्जांपल कोलोइड सिस्ट, ये सबसे कॉमन उदाहरण होता है। ये सर के एकदम बीचों बीच होता है और पानी के रास्ते में होता है, जिसकी वजह से पानी का रास्ता ब्लॉक हो जाता है या हाइड्रोसेफलस हो जाता है। इसमें हम एक छोटा सा छेद करते हैं स्कल में और उसके ज़रिए दूरबीन डाल के इस कोलोइड सिस्ट को निकाला जा सकता है। तो जो पहले इसमें पूरा ओपन करके हमें करना पड़ता था, अब हम इसे एंडोस्कोपी के ज़रिए निकाल सकते हैं। कुछ और ट्यूमर्स हैं जिसमें माइक्रोस्कोप और एंडोस्कोप कंबाइन करके निकाल सकते हैं, क्योंकि एंडोस्कोप में फ़ायदा ये होता है कि कुछ एंडोस्कोप्स हैं जो 30° या 45° जो हमें साइट का व्यू दिखा सकते हैं जो हम नॉर्मल दूरबीन से नहीं देख सकते, जैसे कि एपिडर्मॉइड ट्यूमर्स। तो उसमें हम सर्जरी के दौरान एंडोस्कोप अलग से ला के उसको निकाल सकते हैं। सो न्यूरो एंडोस्कोपी से काफ़ी कुछ ट्यूमर्स हैं जिसका इलाज किया जा सकता है और जिसमें रिजल्ट बहुत अच्छा होता है और साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे एक रिलेटिव थे, उनको जो है अचानक से एक दिन बेहोशी आ गई और फिर जाके जब उनको अस्पताल में दिखाया गया तो उन्होंने बताया कि साहब आपको तो बहुत ज़्यादा ट्यूमर फैल गया है। बाद में पता लगा कि साहब उनको तो कोई न्यूरोब्लास्टोमा नाम की कंडीशन निकल गई। तो उनका बहुत ही अग्रेसिव उपचार किया गया, लेकिन वो 6 महीने में ही कालकवलित हो गए। तो कई ब्रेन ट्यूमर के इतने भी खतरनाक होते हैं जो ट्रीटमेंट का समय नहीं देते। यस सो कुछ ट्यूमर्स होते हैं जो बहुत एग्रेसिव ट्यूमर्स होते हैं, जैसे आपने बताया न्यूरोब्लास्टोमा, ग्लायोब्लास्टोमा। तो ये ट्यूमर्स ऐसे हैं जिनमें अभी भी एक तो लक्षण बहुत लेट या बीमारी बहुत लेट पकड़ में आती है, और दूसरा कि हम सारी मोडालिटीज़ को भी अगर हम यूज़ करते हैं तो ये कंट्रोल में कुछ ही समय रहते हैं और फिर से ये फ्लेयर अप होते हैं। सो ये थोड़े एग्रेसिव ट्यूमर्स हैं, इस पर काफ़ी रिसर्च चल रहा है। बट अगर हम आज की बात करें तो ट्रीटमेंट वही रहता है, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी। बट मेनली इसको हम कंट्रोल करने के लिए करते हैं, क्यूरेटिव इंटेंट से अभी ट्रीटमेंट आया नहीं है।
तो डॉक्टर साहब आप लोग बोलते हैं कि एक ब्रेन तो ये ऊपर होता है और एक ब्रेन जो रहता है उसका एक्सटेंशन रीढ़ की हड्डी में होता है, राइट, आप लोग स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं अपनी भाषा में, तो उसके भी ट्यूमर आपके ब्रेन के ट्यूमर के अंदर ही आप लोग क्लब करते हैं? हाँ, हम उसको क्लब करते हैं, हालांकि स्पाइन ट्यूमर्स थोड़े लिमिटेड होते हैं। जी जी। और स्पाइन ट्यूमर्स में मुख्य तौर पर दो प्रकार के होते हैं, एक जो नस के अंदर होते हैं और एक जो रीढ़ की हड्डी और नस के बीच में होते हैं, नाउ जिसको हम एक्स्ट्रा मेडुलरी और इंट्रा मेडुलरी बोलते हैं। तो जो रीढ़ की हड्डी और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में होते हैं उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज जो होते हैं बेनाइन होते हैं। जी। बट जो नस के अंदर होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होते हैं, वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं ट्रीट करना, क्योंकि सारी नसें उस छोटे से एरिया में होती हैं और उसमें ही ट्यूमर होता है। तो आजकल हम उन केसेस में इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरोफिजियोलॉजिकल मॉनिटरिंग करते हैं, जहाँ पे ये एक विशेष उपकरण है जहाँ पे सर्जरी के दौरान हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी नस कहाँ पे है, ताकि जब हम ट्यूमर निकालें तो उन नस पे डैमेज ना हो। एक एक कंटिन्यूस इंट्रा ऑपरेटिव फीडबैक होता है, मॉनिटरिंग होता है, एक अलग मशीन होती है, और जैसे ही हम उस नस को अगर टच करते हैं या उस नस पे कुछ असर होता है तो इमीडिएट अलार्म बज जाता है, जिससे कि न्यूरोसर्जन उस रास्ते फिर नहीं जाता है, फिर अपना चेंज करता है। तीसरा एक कॉमन ट्यूमर है अगेन स्पाइन में, जिसे हम मेटास्टेटिक स्पाइन डिजीज़ कहते हैं, जो कि शरीर में कहीं और से कैंसर उत्पन्न होकर रीढ़ की हड्डी में गया हो, ये सबसे कॉमन स्पाइन ट्यूमर होता है। और इसका ट्रीटमेंट भी रेडिएशन, कीमो, या कुछ केसेस में जहाँ पे पैरालिसिस डेवलप हो रहा हो, सर्जरी के जरिए फिर हम करते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो पेशेंट ऐसे थे जिनकी सारी हड्डियाँ जो है गल गई थी रीढ़ की हड्डी की, राइट राइट, तो उनको मजबूत करने के लिए भी आप लोग कुछ करते हैं क्या? यस, सो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अगर कैंसर या ट्यूमर के संदर्भ में बात करें, तो पहले हमें ये देखना होता है कि जो कैंसर आया कहाँ से है और उसका इलाज शुरू करते हैं। इसी साथ क्योंकि हड्डियों में कैंसर आ जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, तो आजकल काफ़ी अच्छे दवाइयाँ आ गई हैं जिसमें हम ऑस्टियोब्लास्टिक मेडिसिन के ज़रिए हड्डियों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बट कुछ वो सब डिपेंड करता है किस प्रकार का ट्यूमर है। सो मेडिसिंस हैं, रेडिएशन भी है, कीमो भी है, ये स्टेप बाय स्टेप हमें इसका एनालिसिस करना होता है। तो डॉक्टर साहब, अब समस्या ये है कि जैसे ही ब्रेन ट्यूमर लोगों को पता लगता है तो लोगों को लगता है इसकी सर्जरी कराएंगे, राइट, तो हमारा कोई ना कोई अंग रह जाएगा, राइट, अभी तो हम चल फिर रहे हैं, कल को हमें अपंगता आ जाएगी, राइट, तो ये कहाँ तक सही? कई बार ऐसा भी हो जाता है प्रिसीजन के साथ आप लोग करें या प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या कि नहीं तुमको ऐसा कुछ नहीं होगा? यस, सो अगेन ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि पिछले दो दशकों में न्यूरोसर्जरी एज अ फील्ड बहुत रैपिडली एडवांस हो गई है, और उसका सारा फोकस जो है पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ और सेफ्टी के ऊपर किया गया है। मैं दो तीन एग्जांपल्स दूंगा। एक, दूरबीन की अवेलेबिलिटी, जिसे हम माइक्रोस्कोप या एंडोस्कोप कहते हैं, तो इसकी वजह से हमारी क्लैरिटी बहुत रहती है और इम्पॉर्टेंट नसों को हम सेव कर सकते हैं। दूसरा, इमेजिंग, आजकल MRI टेक्निक्स इतनी एडवांस हो गई हैं कि हम इम्पॉर्टेंट एरियाज़ जो इलोक्वेंट कॉर्टेक्स होते हैं ब्रेन के, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं, उनको हम MRI में पहले ही देख लेते हैं, और इम्पॉर्टेंट नसों को जैसे MRI ट्रैक्टोग्राफी करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये ट्यूमर यहाँ है, नसें यहाँ हैं, तो रास्ता कौन सा अपनाना है। और तीसरा, जिसे हम एडवांस्ड MRI टेक्निक्स, और तीसरा जैसे आपने शुरू में जिक्र किया था, न्यूरो नेविगेशन, जो सिंपल भाषा में अगर हम देखें रोबोटिक्स, तो सर्जरी से पहले ही न्यूरोसर्जन इस सिस्टम में इमेजेस डाल के पूरी प्लानिंग कर सकता है कि ये सबसे सेफ एरिया है। तो आपको गूगल मैप है एक तरीके से? एक प्रकार से गूगल मैप बिफोर सर्जरी। एंड फाइनली, कुछ क्रिटिकल एरियाज में हम अवेक क्रेनोटोमीज कर सकते हैं, जिसमें पेशेंट बेहोश नहीं होता है, सिर्फ ऊपर का हिस्सा सुन कर देते हैं, और पेशेंट जैसे कि अगर वो हाथ पैर कंट्रोल करने के पास में है, तो ट्यूमर निकालते निकालते हम हाथ पैर की टेस्टिंग करते रहते हैं, सो पेशेंट फुल्ली कॉन्शियस होता है, और कहीं भी अगर ट्यूमर निकालते समय उस नस पे असर आता है तो हम तुरंत वहाँ रुक जाते हैं। तो इतने सारे मोडालिटीज से अब सर्जरी में सेफ्टी बहुत ज़्यादा हो गई है, सर्जरी के आउटकम्स बहुत अच्छे हो गए हैं, और ये जो एक समाज में भ्रांति है कि कोमा में चले जाते हैं या पागल हो जाते हैं या पैरालाइज हो जाता है, इसकी संभावना बहुत बहुत कम हो गई है। बहुत ही क्रांतिकारी बातें बताई डॉक्टर नितिन ने कि अवेक क्रेनियोटॉमी, मतलब आदमी जग रहा है और उस समय उसका सर खोल के डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है और ये देख रहा है कि उसके हाथ पांव सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। कितना क्रांतिकारी विकास है। और जैसा उन्होंने बताया कि माइक्रोस्कोप,
न्यूरो एंडोस्कोप, नेजो एंडोस्कोप, इन सब की मदद से, एमआरआई अपने आप में एक चीज़ है, इन सब की मदद से वो ये पता कर लेते हैं कि कौन सी चीज़, और एक उन्होंने बताया कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं कि अगर किसी नस पे जाते हैं तो वो बीप बीप करने लगता है और पूरा मॉनिटरिंग चलती रहती है, तो ऐसे में दुर्घटनाओं की संभावनाएँ बहुत कम हो जाती हैं क्योंकि बहुत सारे चेक पॉइंट्स इन्होंने लगा रखे हैं। और उन्होंने जैसे बताया कि कोमा में चले जाना, पागल हो जाना या अंगों का रह जाना, ये सब चीज़ें थोड़े, डॉक्टर साहब अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत रह भी जाता है तो फिर वो जो रिहैबिलिटेशन थेरेपी आप लोग जो फिजियोथेरेपी वगैरह देते हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है? यस यस, सो किसी भी ब्रेन या स्पाइन सर्जरी में रिहैबिलिटेशन या फिजियोथेरेपी का रोल बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि अब हमें पता है कि हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहता है और सर्जरी के दौरान हम ये अगर बहुत क्रिटिकल लोकेशन पे है तो हम पहले भी डिस्कस कर लेते हैं फैमिली मेंबर से कि अगर हमें लगता है कि इम्पॉर्टेंट नसों पे असर आ रहा है तो हम वहीं रुक जाएंगे। तो इसके चलते जो परमानेंट डैमेज है उसके चांसेस काफ़ी कम हो गए हैं। और जब भी नसों में अगर टेम्पररी डैमेज होता है तो फिजियोथेरेपी का रोल बहुत ज़्यादा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी पेशेंट्स में इसके ज़रिए रिकवरी बहुत जल्दी होती है। तो डॉक्टर साहब ये क्या बोलते हैं कि जैसे रेडियोथेरेपी जो देते हैं कई बार लोग बोलते हैं कि इसके बाद लोगों की याददाश्त कम हो गई या ब्रेन में रेडिएशन हो जाने से, कई बार जैसे हमारे नाक कान गले में कई बार होता है लोग कहते हैं साहब की म्यूकस बनना बहुत कम हो गया, तो रेडियोथेरेपी के अंदर भी कुछ ऐसे विकास हुए हैं क्या जिससे चीज़ें थोड़ी प्रिसीजन वाली हो गई? यस, सो रेडिएशन जैसे कि हर फील्ड में डेवलपमेंट हो रहा है, रेडिएशन भी बहुत प्रिसाइज होती जा रही है और उसके दो रीजंस हैं। एक अवेलेबिलिटी ऑफ MRI, पहले जो रेडिएशन होता था CT गाइडेड होता था, अब हम उसको CT एंड MRI गाइडेड करते हैं। तो जब हम MRI गाइडेंस लाते हैं तो हमें इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल एरियाज हम पहले ही डिफाइन कर लेते हैं। दूसरा, जो रेडिएशन की मशीन्स हैं इसमें बहुत अच्छे कॉलीमीटर्स आ गए हैं, तो इसके चलते एग्जैक्टली प्रिसाइजली वो डिफाइन कर सकते हैं कि रेडिएशन हमें यहाँ देना है या यहाँ नहीं देना है। तो इसके चलते रेडिएशन भी बहुत सेफ हो गया है, बहुत प्रिसाइज हो गया है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो पहले हम कोबाल्ट थेरेपी में देखते थे या पुरानी जनरेशन की मशीन में देखते थे स्किन के ऊपर या म्यूकोजा पे, ये काफ़ी कम हो गए हैं। एंड फाइनली अगेन, रेडिएशन की टेक्नोलॉजी एवरी फ्यू ईयर्स प्रोग्रेसिवली एडवांस होती जा रही है। सो रेडिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है और हम ये देखते हैं काफ़ी बार रेडिएशन की डर की वजह से पेशेंट सर्जरी तो करा लेते हैं बट रेडिएशन के लिए नहीं जाते हैं और उसके चलते वो ट्यूमर फिर से आ जाता है। और उसमें एक ये भ्रांति जो आपने सुना होगा कि सर्जरी करेंगे, टच करेंगे, ट्यूमर तो फैल जाएगा, तो वो सर्जरी भी नहीं कराते, रेडिएशन भी नहीं कराते हैं। तो रेडिएशन बहुत एडवांस हो गई हैं, बहुत सेफ हो गई हैं और टेक्नोलॉजी का बेनिफिट लकीली इंडिया में हमारे पेशेंट्स को रियल टाइम में मिल रहा है कि कोई भी नई मशीन अगर US या यूरोप में आती है विद इन 6 मंथ्स वो मशीन इंडिया में भी उपलब्ध होती है एंड Tier 2 cities में भी उपलब्ध होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई डॉक्टर साहब ने कि सर्जरी करा ली और डॉक्टर साहब ने बोला है कि आप इसका रेडिएशन भी करा लीजिए, तो कहने का मतलब ये कि सर्जरी से उन्होंने ट्यूमर तो निकाल दिया लेकिन अगर कहीं पर भी उसके थोड़े भी माइक्रो मेटास्टेसिस या थोड़ी चीज़ें बच गई तो रेडियोथेरेपी उनको भी पूरा साफ कर देगा। आप कई बार ये वो कराने से लोग पीछे हट जाते हैं जबकि बता रहे हैं कि बहुत ही अच्छी अच्छी मशीनें आ गई हैं तो फिर से ये डिसीज़ रिकर हो जाती है। इसलिए आवश्यकता इस बात की कि डॉक्टर ने जो प्रोटोकॉल आपको बताया है ट्रीटमेंट का उसे पूरी तरीके से फॉलो करें ताकि ज़िंदगी आपकी अच्छी रहे। डॉक्टर साहब अच्छा ये बताइए, आपकी कई बार जैसे अभी यार मैं पहले एक कैंसर विशेषज्ञ से बात कर रहा था, वो कह रहे थे CML पहले 5 साल था, अब तो पूरी लाइफ हो गई है, वोकल कॉर्ड के कैंसर में लाइफ हो गई है। तो ये ब्रेन ट्यूमर जो रहते हैं बिनाइन में तो समझ में आता है, जो नॉन कैंसरस उसमें लाइफ अच्छी हो जाती है, और ये जो कैंसर वाले हैं इनमें भी कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी रहती है जिसमें आपके पेशेंट को आपने 10-15 साल पहले ऑपरेट किया वो भी आके आपसे मिलता हो? यस यस डेफिनेटली। सो एक बहुत बड़ा एग्जांपल है मेड्यूलोब्लास्टोमास, ये बच्चों में पाए जाते हैं खासकर। 15-20 साल पहले तक मेड्यूलोब्लास्टोमा का ओवरऑल आउटकम बहुत कम होता था, हम बात करते थे 3-year survival, 5-year survival, अब हम उसकी बात करते हैं 10-year survival, 15-year survival। सो मेड्यूलोब्लास्टोमा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ऑल्फैक्ट्री ग्रूव एस्थेसियो न्यूरोब्लास्टोमा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कुछ ग्लायोमास भी ऐसे हैं जिसमें आजकल टेस्टिंग करके पता लगाया जाता है कि इस प्रकार का है, IDH म्यूटेंट Grade 3 है, उसमें भी पाया जाता है। एंड फाइनली मेटास्टेसिस में भी इसका जो ब्रेन जैसे लंग कैंसर से ब्रेन में जाता है जी। कुछ इवन 5-7 साल पहले तक ये कहा जाता था कि भाई इसमें अब सर्वाइवल ज़्यादा नहीं है, बट अब टारगेटेड थेरेपी के आने के बाद
प्राइमरी ट्यूमर का तो कंट्रोल है ही, ब्रेन और स्पाइन में भी अगर ये फैलता है तो कंट्रोल बहुत अच्छा होता है, और हम 5 साल 7 साल की सर्वाइवल की बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कार्डिक सर्जरी होती है आपके यहाँ भी होती है, तो आप मरीज़ को बोलते हैं कि अब तुमको जीवन भर ये 8-10 दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं, अब आपने ब्रेन सर्जरी कर ली तो इसके बाद भी कुछ दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, कुछ नियम संयम बरतना पड़ता है क्या? सो देखिए, मेन जो ब्रेन सर्जरी के बाद दवाई होती है वो एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस होती हैं। अच्छा। क्योंकि कोई भी ब्रेन ट्यूमर में मिर्गी होने की संभावना रहती है। नाउ पहले, कुछ सालों पहले तक मिनिमम ड्यूरेशन जो 3 से 5 साल कहा जाता था, बट अब एक जो जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ रही है, कुछ ट्यूमर जैसे मेनिन्जियोमास हैं उसमें कहा जाता है कि कुछ हफ्ते या कुछ महीने भी दवाई लेने के बाद उसे रोका जा सकता है। सो इन प्रकार के ट्यूमर्स में हम लोग जनरली 3 से 6 महीने के बाद दवाई रोक देते हैं। ज़्यादा दवाई से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेगुलर फॉलोअप। ये हम काफ़ी बार पेशेंट्स को बार बार बताते हैं कि इन पेशेंट्स में सालाना एक MRI करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ट्यूमर्स हैं जो 2 साल 3 साल के बाद आने की संभावना रहती है, 5 साल 7 साल बाद भी आने की संभावना रहती है। सो दवाइयाँ ऐसी विशेष नहीं होती हैं, बट रेगुलर MRI करना बहुत ज़रूरी होता है। तो डॉक्टर साहब, ऐसे कोई एग्जांपल है आपके पास कि जो पेशेंट बहुत विजिलेंट रहे हों, 2 साल बाद आए, उनको थोड़ा सा ट्यूमर आया और आपने फिर क्या दोबारा सर्जरी करी या किसी और तरीके से ठीक हो गए? करेक्ट। सो इसको मैं 2 ग्रुप्स में डिवाइड करूंगा, एक बेनाइन ट्यूमर्स और एक कैंसर ट्यूमर। तो जो बेनाइन ट्यूमर है, अगर हमारे रेगुलर चेकअप में आता है कि कहीं पर वो स्पॉट फिर से आ रहा है, तो हम उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं। 3 महीने, जहाँ हम 6 महीने 1 साल में MRI करा रहे होते हैं, हम 3 महीने में करा लेते हैं। और अगर हमें लगता है कि नहीं ये बढ़ रहा है, तो इसे हम गामा नाइफ या स्टीरोटैक्टिक रेडियो सर्जरी के लिए भेज देते हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग सर्जरी। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो 3-4 साल फॉलोअप मिस कर जाते हैं और फिर एकदम से आते हैं कि ये गठान फिर से बढ़ गई है, तो उसमें हम सेकेंड सर्जरी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं रहता है। जहाँ तक कैंसर का सवाल है, अगर हम हाई ग्रेड ट्यूमर्स या कैंसर्स की बात करें, तो अगर ये ट्यूमर फिर से आता है, पेशेंट अगर अच्छी ओवरऑल फिजिकल कंडीशन में है, तो हम उसे फिर से सर्जरी करके फिर कुछ एडवांस्ड कीमोथेरेपी मेडिसिन होती हैं वो देते हैं। बट कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें सर्जरी करना संभव नहीं होता है, तो फिर हम उसमें इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी जैसे बिवैक्सीसुमैब देते हैं, या फिर से रेडिएशन भी दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने मर्ज को कभी भूल नहीं सकते। जैसे पुरानी कहावत थी ना कि कर्ज, मर्ज और फ़र्ज कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो डॉक्टर ने आपको, क्योंकि वो उस डिसीज़ का नेचर जानते हैं, तो वो आपको जब जब फॉलोअप के लिए कह रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर आपने सही समय पर फॉलोअप किया तो केवल गामा नाइफ से ही काम चल गया, सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन आपने 2-3 साल बाद कराया, ट्यूमर काफ़ी बढ़ गया, तो पता लगा सर्जरी की ज़रूरत पड़ी। और जैसा कि अभी पहले वाले स्पीकर कह रहे थे कि टारगेटेड थेरेपी आ गई है, इम्यूनोथेरेपी आ गई है, ये सब दवाइयाँ काफ़ी वंडर कर रही हैं आजकल और पूरे देश विदेश में इनका नाम चल रहा है, हालांकि इनकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा। डॉक्टर साहब, ये जो ब्रेन ट्यूमर, ये कितनी कॉस्ट करता है और ये क्या आयुष्मान भारत में कवर्ड है क्या? राइट। सो ब्रेन ट्यूमर सर्जरी, रेडिएशन, कीमो, सब कुछ आयुष्मान भारत में कवर्ड है जो हॉस्पिटल में इसकी फैसिलिटी है। कीमोथेरेपी, मैं ब्रेन ट्यूमर का बताना चाहूँगा कि आजकल टैबलेट्स के ज़रिए है, तो इसमें एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, ये रेडिएशन के समय से ही स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये रेडिएशन सेंसिटाइज़र भी होती है। अच्छा। तो रेडिएशन के इफ़ेक्ट को और बढ़ाती है। तीसरा, ये बहुत सेफ़ होती हैं, और कुछ पेशेंट्स में हम इंजेक्टेबल देते हैं, वो भी सेफ़ होती हैं। जहाँ तक आई थेरेपी इम्यूनोथेरेपी की या टारगेटेड थेरेपी की, ये जैसा कि हम जानते हैं थोड़ी कॉस्टली है, बट अब कुछ दवाइयाँ हैं जिसके जेनेरिक वर्शंस आ गए हैं और वो अराउंड 60 से 70 हज़ार का एक साइकिल होता है। सो ये वेरी करता है। बहुत ही उपयोगी जानकारी डॉक्टर साहब, समय हमारा ख़त्म हो गया है, जानकारी तो बहुत सारी लेनी थी आपसे, आप स्टूडियो में इतनी उपयोगी जानकारी दी, इसके आपका बहुत नमस्कार। नमस्कार।
नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम सलाह मशवरा में। हर बार की तरह इस बार भी हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लेंगे सलाह और मशवरा देश के, प्रदेश की,